सकते हैं। आज एनएस का हम दिखाएंगे रिव्यू, तो एनएस में क्या क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा और नया कलर के साथ दिखाने के लिए मिलेगा। ये एनएस का हम बात करें तो आपको एनएस पहले देखते होंगे बहुत सारा ब्लैक वाइट, ये रेड में कुछ नया में इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। रेड में आपको कहाँ कहाँ रेड देखने के लिए मिलता है और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है इस वीडियो में हम दिखाएंगे थोड़ा सा शॉर्ट में ही, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं दिखाएंगे। ये तो अगर हम बात करते हैं फ्रंट से तो आप फ्रंट में देख सकते हैं आपको वही विंडशील्ड, आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है, हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर नंबर प्लेट का फ्रेमिंग मिल जाता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स मिल जाता है। मेडिगार्ड भी देख सकते हैं, काफ़ी विंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपको यूएसडी फॉग मिल जाता है, देख सकते हैं यूएसडी फॉग, यहाँ पे आपको डुअल चैनल यूएसडी मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क ब्रेक का साइज़ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। और इस टाइप का रिम का बात करें तो अलेविल का बात करें तो अलेविल देख सकते हैं कितना अच्छा दिया है अलेविल में, यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, तो यहाँ पर वाइट दे दिया है रिम में। और इस साइड भी आपको डुअल चैनल अलेविल देखने के लिए मिल जाएगा यूएसडी फॉग के साथ, इधर देख सकते हैं। बाकी टंकी आप दिखा सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं, एक साइड में तो आपको रेड और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टाइप का देखना और यहाँ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए इस टाइप से मिल जाता है। यहाँ से छोटा सा प्यारा सा आप देख सकते हैं बजाज का लोगो देखने का मिल जाता है इस टाइप से। और रेड का टंकी का बात करें तो टंकी देख सकते हैं रेड में कितना अच्छा लगता है, ये गाड़ी NS160 पल्सर का कुछ इस टाइप का लोगो मिल जाता है, ग्लॉसी जो आपको 3D लोगो में मिल जाता है इस टाइप से देख सकते हैं। आपको E20 एथेनॉल मिल जाता है ये, और मीटर भी देख सकते हैं, मीटर का भी बात करेंगे आगे। और हैंडल का भी पोजीशन का बात करेंगे, तो अभी ग्राफिक्स का बात करें तो ग्राफिक्स देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टिकर भी कितना अच्छा लगता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लैक। और यहाँ पर जो चेचिस का बात किया जाए तो चेचिस आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेटल टाइप में मतलब अच्छा लग देने। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइबर विंड क्वालिटी की बात करें इसमें आपको डबल सीट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पीछे सीट कॉल का बात किया जाए तो सीट कॉल भी देख सकते हैं कितना रेड में अच्छा लगता है। यहाँ पे 3D लोगों के साथ में NS160 नहीं मिलता है आपको, आपको ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल आता है उसी टाइप से दे रहा, देख सकते हैं सीट कॉल का भी जो पोजीशन है ये पूरा रेड में कितना अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर दो भी मिल सकते हैं, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर थोड़ा ग्रे टाइप का, और यहाँ पर 160 का ग्राफिक्स मिल जाता है कितना अच्छा लगता है। और ये साइड भी देख सकते हैं रिफ्लेक्टर कितना अच्छा दे दिया है, पहले जो NS में नहीं देता था वो अभी देने भी लगा है। और वही हैलोजन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा इस टाइप का। और इस साइड से भी देख सकते हैं तो पैर रखने के लिए भी जो चेंजेस जो था वही था, अभी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, इस टाइप में भी पैर वहीं रखने का। गियर बॉक्स भी यहाँ पे और गियर पोजीशन कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा आपको, एक नीचे बाकी सारा ऊपर, यहाँ पर बजाज लोगो या स्टीकर साफ मिल जाएगा, मिल जाता है ऐसा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑयल कूलिंग मिल जाएगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में तो रेड में कितना अच्छा लगता है, रेड कलर की बात करें तो यहाँ रेड आपको थोड़ा सा वो मिल जाता है ग्रे, और यहाँ ब्लैक में पूरा मिल जा रहा सीट कॉल के साथ। और यहाँ सिंगल स्टैंड मिल जाता है जो आपको स्टैंड, और इधर से ही बात किया जाए तो देख सकते हैं मेडिगार्ड, इसमें छोटा वाला मेडिगार्ड मिलता है ये देख सकते हैं, बाकी ये तो देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ कि वो कितना क्या साइज़ का है वो सब सारा देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इसका बात किया जाए तो ये थोड़ा अच्छा कर दिया है, जिससे कीचड़ मिट्टी उट्टी पड़ने में तो दिक्कत नहीं था। इसमें देख सकते हैं पीछे भी डिस्क ब्रेक है, इसमें डबल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ये भी देख सकते हैं पीछे से। बाकी साइलेंसर भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना छोटा साइलेंसर कुछ इस टाइप से देखने के लिए आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ भी चेचिस भी देख सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें देख सकते हैं DTSI इंजन है, और इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोबिल कितना बचा हुआ नहीं मिला इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी ग्राफिक्स जो आपका रेड में कितना अच्छा लगता है थोड़ा देखने में। बाकी इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो अभी 160 cc या फिर 150 की गाड़ी जो आता है जिसमें किक नहीं रहता, इसमें अभी भी किक दिया हुआ है, कभी कभी अचानक से बैटरी उटरी डाउन हो गया प्रॉब्लम किया तो आप किक भी मार के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप से देख सकते हैं ऑयल कूलिंग इस टाइप से देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ग्राफिक्स देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी 160 थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत कर रहा हो, वो भी यहाँ पर 160 लिखा हुआ है बहुत सारा अच्छा से। बाकी आपका कलर का बात किया था, कलर कॉम्बिनेशन दिखा चुके हैं, तो आप बताइए मुझे कमेंट में ये गाड़ी आपको कैसी लगी कलर बाय कलर में।